पुलिस अपना खौफ अपराधियों पर पैदा करने के लिए एक्शन में, निगरानी शुदा अपराधियों को थाने में रोज हाजिरी लगाने का फरमान, ऐसा न करने पर गिरफ्तार कर जेल भेजने का पुलिस कप्तान ने दिया हुक्म, आदतन अपराधियों का नाम गुंडा सूची में डालने का दिया आदेश। आदतन अपराधियों को रोज थाने में हाजिरी लगाने की चेतावनी, रीवा जिले में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू की है। 2 दर्जन अपराधियों की निगरानी शुरू की गई, वहीं आए दिन मारपीट करने वालों को गुंडा सूची में शामिल किया गया है। ये अपराधी नियमित रूप से थाने में हाजिरी लगाएंगे। इन दिनों जिले में लगातार गुंडागर्दी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बाइकर्स गैंग दहशत फैलाने के साथ ही वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के बाद प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू की। 25 अपराधियों की निगरानी शुरू की गई है, जो नियमित चोरी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं या उसमें शामिल रहे हैं। ये अब नियमित रूप से थाने में हाजिरी देंगे, अपनी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देंगे। जिस बार वे हाजिरी देने से चूक जाएंगे, उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। नियमित पुलिस उन पर नजर रखेगी ताकि अपराध ना करने पाए। साथ ही 18 से ज्यादा अपराधियों को गुंडा सूची में शामिल किया गया है, उन पर भी निगरानी के साथ कोई अपराध करने पर सीधा जेल भेजने का प्रावधान रहेगा। उनकी गतिविधियां संदिग्ध होने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर रही है जो लगातार अपराध में शामिल है। पुलिस ने बदमाशों की अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटाकर कार्रवाई शुरू की तो लंबे समय से फरार अपराधियों ने कोर्ट में सरेंडर करना प्रारंभ कर दिया है। घरों में चल रही दबिश से दबाव में 1 माह में 10 आरोपियों ने सरेंडर किया है, जो हत्या के प्रयास, बलवा जैसे मामलों में फरार थे। पिछले 1 महीने में अभियान चलाकर हमने संपत्ति संबंधी अपराधों में 25 अपराधियों को चिन्हित किया, जिनकी निगरानी खोली गई है। 18 गुंडों को चिन्हित किया है, जिन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसमें पूरा थानों को होमवर्क किया गया, थानों ने लिस्ट बनाई कि कौन कौन व्यक्ति लगातार अपराध कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाना आवश्यक है, उन पर नजर रखना आवश्यक है। और इस क्रम में हम लोगों ने पूरा होमवर्क करके उनकी फाइल तैयार की है। अब उनको पर मंथ चेक करने का दायित्व थाना प्रभारी का होगा, वीकली बिट प्रभारी चेक करेगा और हर 2 महीने में एक बार SDP भी उसको चेक करेंगे। तो इससे लगातार उन पर एक हमारा कंट्रोल बना रहेगा, उनकी एक्टिविटी पर कंट्रोल बना रहेगा। और अगर उनके साथी क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई नया उनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है, कोई नई वाहन खरीदा गया है, तो इस प्रकार से अपडेट बना रहेगा कि वो लोग किस कृत्य में लिप्त हैं जिससे कि वो इतनी सारी संपत्ति अर्जित कर पा रहे हैं।